नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से प्रजापति पावरफुल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास है हम सभी प्रजापति समाज के लोगों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय दक्ष जय प्रजापति जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 25 सितंबर है। आज शहीद प्रजापति मिंधु कुमार का बलिदान दिवस है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा डिले हो गई आज, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, आज 25 सितंबर को हमारे समाज के स्टार शहीद मिंधु कुमार प्रजापति का बलिदान दिवस है और उन्हें हम सब श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। शहीद मिंधु कुमार ने तोड़ा था अंग्रेजों का जंगल कानून। जी हाँ दोस्तों, धमतरी छत्तीसगढ़ रुद्री नवागांव का जंगल सत्याग्रह आज़ादी के दौरान अंग्रेजों का कानून तोड़ने वाले आंदोलन में से प्रमुख है। इस आंदोलनों में अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, जिसमें धमतरी के डुबान क्षेत्र के ग्राम लमकेनी निवासी स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी युवक प्रजापति मिंधु कुमार गोली लगने से घायल हो गए थे। दोस्तों, 25 सितंबर 1930 को सेंट्रल जेल रायपुर में मिंधु कुमार जी ने दम तोड़ दिया था। पर आपको बता दूं, प्रजापति समाज बड़ा ताकतवर है। इतिहासकारों के मुताबिक पुराने धमतरी तहसील के गट्टासिली का जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930 को समाप्त हुआ था। इसके बाद धमतरी से लगे ग्राम नवागांव बेंद्रान गांव में उस समय जागरूक लोगों ने जंगल सत्याग्रह किया था। तब अंग्रेजों ने जंगल को आरक्षित कर लोगों के घुसने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग अपनी ज़रूरत के लिए लकड़ी, फल, वनोपज तो क्या घास भी नहीं काट सकते थे। नवागांव सत्याग्रह उस समय के धमतरी के स्वतंत्रता सेनानी नारायण घाव राव मेघावाले ने व नत्थू जी जगताप के नेतृत्व में शुरू किया था, लेकिन उन दोनों को इसके बाद आंदोलन की कमांड डॉक्टर शोभा राव देवांगन ने संभाली। योजना के मुताबिक जंगल में घुसकर घास काटने के लिए 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया गया। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। 16 सितंबर 1930 को धारा 140 तोड़कर भीड़ की शक्ल में लोग रुद्री नवागांव पहुँचे। उस समय के अंग्रेज तहसीलदार SV बरेट भी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वहाँ मौजूद थे। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दूं, अंग्रेज पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई थी, बहुत तगड़ी झड़प हुई थी। तो इसके दौरान एक पुलिस कांस्टेबल को भी चोट आई थी, जिसके आधार बनाकर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया था। देखते ही देखते गोलियां चलने लगी थी। गोली लगने से ही हमारे प्रजापति जो मिंधु कुमार थे घायल हो गए थे। एक गोली उनके सीने में लगी थी, दूसरी गोली उनके पैर में लगी थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सेंट्रल जेल रायपुर भेज दिया था। सेंट्रल जेल रायपुर में ही इलाज के दौरान 25 सितंबर 1930 को प्रजापति मिंधु कुमार जी ने दम तोड़ा था। दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, पर हमारे प्रजापति समाज की शान और शक्तिशाली इंसान को हम याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, मैं अपने सभी प्रजापति समाज के लोगों से आग्रह करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स और जो हमारे समाज से नहीं हैं उसको भी शेयर कीजिए। आपसे मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है आपसे।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि प्रजापति समाज का नाम हो सके कि हाँ, हमारे समाज से भी कोई था जिसने जंग लड़ी थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में मैं जयदक्ष जय प्रजापति इसलिए बोलता हूँ ताकि समाज का नाम रोशन हो सके। दोस्तों, प्रजापति समाज छोटा नहीं है, बहुत बड़ा शक्तिशाली समाज है। हमें एकजुट रहने का समय आ गया है। छोटी छोटी बातों पर लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब तक हम एक नहीं होंगे, हमारा हर कोई फ़ायदा उठाता रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।